हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल आई एम बुकलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको द की टू सक्सेस की पार्ट टू की समरी में प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसकी पार्ट वन की समरी मैंने पहले ही आपको दे दी है, और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए प्लीज़। और आज मैं अभी आपको पार्ट टू की समरी देने वाली हूँ, जिसमें चैप्टर 4, 5 और 6 होंगे। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चैप्टर 4 का नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमारे जो वर्ड्स है उसमें गॉड लाइक पावर है, ईश्वरीय शक्ति है। एनिमल्स में ये शक्ति नहीं होती है, बर्ड्स में ये शक्ति नहीं होती है, भगवान ने ये शक्ति सिर्फ हमें दी है। तो इसको कैसे यूज़ करें हम, ताकि हम इससे इफ़ेक्टिव रिजल्ट हमें प्राप्त हो, तो उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है आइडियाज को फ्रेम करता है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है वो है हैव समथिंग गुड टू से। कुछ प्रेजेंट करने के पहले हमें प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए पहले अपना जो पर्पस है उसके संबंध में कुछ जान ले, उसके बारे में हम थोड़ा नॉलेज गेन कर ले, एक प्रिपरेशन कर ले, तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप है वो है बी इंटरेस्टेड इन लाइफ एंड पीपल। लाइफ में, दुनिया में हो क्या रहा है, हमेशा जो करंट अफेयर्स हैं उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करने के लिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद बोला गया है बी फैसिनेटेड। फैसिनेशन क्या, फैसिनेशन गोज बियॉन्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड पीपल क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड पीपल बोलते हैं डज इट वर्क, क्या ये काम करता है। और फैसिनेटेड पीपल क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को फैसिनेशन से बदलना है। फैसिनेशन लाएंगे तो आप ज्यादा सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका बेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बोला गया है वो है बी नॉलेजेबल। इसके लिए हमें कीप लर्निंग, हमें पढ़ते रहना है, हमें सीखते रहना है, कीप लिसनिंग सुनना है, कुछ क्लासेस अटेंड करने हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए। सेकेंड जो है वो है से इट वेल। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आप उसको अगर डिलीवर करना नहीं जानते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। आपको हर फील्ड में, हर एक क्षेत्र में कैसे अपनी बात को सामने रखना है वो प्रैक्टिस करना सीखना होगा। थर्ड जो स्टेप है वो है रीड योर ऑडियंस। सिर्फ बात करना ही, सिर्फ बोलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको अपने ऑडियंस को समझना भी है, उसको सुनना भी है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है बी इंटेंस। तो अपने बोलचाल में, अपने कम्युनिकेशन में जो इंटेंसिटी को लाना है, जहाँ पे कंपैशन है वहाँ पर कंपैशनेट होके बात करना है, जहाँ पैशन है तो पैशनेट करना होगा, कमिटमेंट है, लव है, हेट है, जिस तरह की इमोशंस है, जिस तरह के फीलिंग्स है, आपको उस तरह के इमोशंस एंड फीलिंग्स और इंटेंसिटी को अपने कम्युनिकेशन स्किल में ढालना होगा। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई विथ योर ऑडियंस। तो आपको यहाँ पर अपने साथ ऑडियंस के बीच में एक ब्रिज तैयार करना होगा, कैसे, गुड लिसनर होकर और अवेयर होकर। अभी यहाँ पर जो है कुछ ऐसे टूल्स भी बताए गए हैं कि बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत अगर ना हो तो आप इन्हें अवॉइड ही करें। तो पहला जो है वो है डायरेक्ट अटैक। बात को घुमा फिरा के ना करें। जब देखें कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो सीधे सीधे बात करके, सीधे सीधी डायरेक्ट बात को बोलकर आप क्लियर कर लें। सेकेंड है स्कोल्डिंग। तो स्कोल्डिंग भी एक टूल हो सकता है, पर यहाँ पर स्कोल्डिंग को ज़्यादा अपनाने की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जैसे माएँ बच्चों को बात बात पर डांट देती, इससे उनके कोमल मन पर बहुत ज़्यादा हार्श एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो स्कोल्डिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। थर्ड है सरकैज़म। फोर्थ है प्रोफेनिटी। तो ये चार स्टेप है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो इन्हें आप अवॉइड करें। और नेक्स्ट जो है गुड कम्युनिकेशन के जो स्टेप्स वो है द आर्ट ऑफ पर्सुएशन। तो आर्ट ऑफ पर्सुएशन को हमको पाने के लिए क्या करना होगा, कि आपको गुड स्टोरी टेलर होना होगा। हर क्षेत्र में, हर इंसान में, छोटे बड़े और हर सिचुएशन के बारे में आपको एक स्टोरी या घटना जो भी है वो आपको गैदर करके रखना होगा। तो जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस सिचुएशन से आधारित कोई स्टोरी आप बता सके और इससे आप अपनी बात को रख सके। लर्न टू टेल योर ओन स्टोरी। खुद के लाइफ की स्टोरी भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ के उतार चढ़ाव से भी आप दूसरों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो बोला गया है कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स भी गैदर कर सकते हो अपने बात को और दार बनाने के लिए। स्ट्रेट टॉक करें, सीधी सीधी बात करें, और सिर्फ बातें ही ना करें, सामने वाले जो लिसनर है उनके प्रॉब्लम्स को सुने और उसके पास सॉल्यूशन भी आप दे सकते हो।
चैप्टर 5 है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो ताकि आप इसको इफेक्टिवली यूज करो और अपने गोल को अचीव करो। फर्स्ट जो स्टेप है वो है सेटिंग गोल्स। इसके पहले यहाँ पे बोला गया है 5 चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है एनवायरनमेंट, जो कि फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इवेंट्स हो सकते। सेकेंड जो स्टेप है वो है इवेंट्स, जो कि हमारे फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिटी से रिलेटेड, नेशन और वर्ल्ड से रिलेटेड। सेकेंड थर्ड जो है वो है रिजल्ट्स, जो कि हमें मिलता है हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं उसके बाद। और फोर्थ जो है वो है नॉलेज, और 5 है ड्रीम। तो यहाँ पे ड्रीम पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जो डिज़ायर है उसको पहले आप विजुअलाइज करें, किस तरह से आपको उसका एंड रिजल्ट आप पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें, एंड देन आप उस पर वर्क करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पर्पस इज स्ट्रॉन्गर देन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपको एक अपना एक ड्रीम हाउस चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि वो जो घर है वो आपको क्यों चाहिए। यहाँ पर आपको अपना घर जो अपने परिवार के लिए चाहिए, ये आपका पर्पस हो गया और ऑब्जेक्ट आपका घर हो गया। तो आपको डिसाइड करना है कि पर्पस ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं आपके ऑब्जेक्ट से। तो बेटर पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, अपने गोल को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ पे लिस्ट करने की बात की गई है कि आप 10 साल का, 5 साल का, 1 साल का, जितना भी गोल है सबको लिखें, और 1 साल के जो लिस्ट आपने बनाया है उसमें से आप 5 इंपॉर्टेंट चीज़ को प्रायोरिटाइज करें और उस पर वर्क करें। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टेंट रिव्यू। और आपने जो अभी ये गोल बनाया है इसको कॉन्स्टेंट रिव्यू करते रहना है जब तक आपको अपना रिजल्ट नहीं मिलता है। थर्ड है प्रायोरिटाइज की बात की गई है, जो मैंने अभी आपको बोला। फोर्थ है रिटन सेट ऑफ प्लान्स, तो गेम प्लान की भी बात की गई है। आपके कैलेंडर में आपको वीकली, डेली बेसिस पर आप प्लान करके रखें अपने गोल को, कैसे आप अचीव कर सकते हो उसके प्रति, आप कैसे वर्क कर सकते हो। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन, आपको अपने कंसंट्रेशन पर वर्क करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लर्न टू से नो, ना बोलना सीखना होगा। बहुत लोग आएंगे जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर जहाँ पे आपको हमेशा फोकस रहना है, समझना है कि ये काम मेरे गोल से रिलेटेड नहीं है, तो आपको ना बोलना जानना होगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है व्हेन यू वर्क, वर्क व्हेन यू प्ले, प्ले। यहाँ पे लाइन से ही पता चल रहा है कि जब हम काम करें तो काम करें, और जब हम दूसरे काम कर रहे हैं तो दूसरे काम करें। दोनों काम को एक साथ अगर मिला जुला देंगे हम, तो हमारा कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है एनालाइज योरसेल्फ, किस काम में हम ज्यादा बेस्ट है उसको हमें जानना है, तो खुद पर एनालिसिस करना होगा। उसके बाद का जो पॉइंट है हैव अ लुक एट योर हैबिट्स, कौन से वीक पॉइंट्स है जो हमें अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने में बाधा बन रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद का पॉइंट है डेवलप ए हैसल लिस्ट, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, काम करने में डिस्टर्ब कर रही है, उसका एक लिस्ट बनाइए आप और उस पर वर्क कीजिए। उसके बाद का पॉइंट है वो है लर्न टू थिंक ऑन पेपर, जर्नलिंग करने की बात की गई है, टू डू लिस्ट की बात की गई है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है रीड द गुड बुक्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनको आप ढूंढिए, उस पर आप काम कीजिए, उसको पढ़िए। चैप्टर 6 जो है वो है फिनेंशियल सक्सेस के बारे में है, मनी फिलोसफी की बात की गई है। मनी फिलोसफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गरीब इंसान की मनी फिलोसफी क्या होती है कि वो पहले पैसे खर्च कर देता है, उसके बाद जो बचा खुचा होता है तो इन्वेस्ट करता है। खर्च करने के बाद उसके पास पैसे बचते ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। और एक रिच इंसान क्या करता है कि पहले वो इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो पैसे थोड़े बहुत जो जितने भी बचते हैं उससे वो अपना गुजारा करता है। तो पहले अपना जो मिलियनेयर बनने का जो सपना है उस पर आपको एक गोल सेट करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पहले करें। और तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस डज नॉट कम फ्रॉम हैविंग मनी बट फ्रॉम रिफाइनिंग योर फिलोसफी अर्ली इनफ इन लाइफ। तो मनी फिलोसफी को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। पैसे जमा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पैसे को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो आपको पहले जानना होगा। दोस्तों मैंने इस बुक को कंप्लीट कर दिया। बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आज का। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बहुत सारी किताबें पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।